मुझे बस अभी तक उसकी गाड़ी का नंबर ही मालूम है। अभी तुम कुछ भी नहीं जाने, वो थोड़ी सी पागल भी है। हाँ सुनो, एक बात बताओ मुझे, टायर को लात मारने का मतलब क्या होता है? अहमकाना हरकत है, पागल है वो। ठीक है, मान लेता हूँ कि थोड़ी गुस्से वाली है। यकीन से कह सकता हूँ कि एक साल हो गया उसकी जिंदगी में कोई नहीं है, कोई नहीं। सही कहा। मुझे लगता है कि वो थोड़ी बहुत मर्दों के खिलाफ है। थोड़ी बहुत? ये इंतहाई खतरनाक टाइप है एक लड़की की। क्यों, गुस्से वाली इसलिए? चालाक है वो इसलिए। ये तो और भी अच्छी बात है, मुझे चालाक लड़कियां बहुत पसंद है। डेनिस कोपरान। कौन? कौन है ये, छोड़ो। क्या मतलब, ये कौन है? लड़की है, यानी नंबर प्लेट से मालूम किया उसका नाम डेनिस कोपरान है। डेनिस कोपरान कौन है? ये लड़की है, बताओ। हाँ बिल्कुल, यही तो है वो। क्या बात है, ये लड़की कुछ भी कर सकती है। बात सुनो, अगर तुम्हारा कोई कनेक्शन है तो मेरा इंटरव्यू रिमूव करवा दो, खैर बात करेंगे इस बारे में। क्या कर रहे हो मेरे भाई, स्क्रीन में से निकाल कर रहोगे क्या? अजीब आदमी हो, समझ में नहीं आ रहा, एक लड़की की खातिर मोबाइल की स्क्रीन में डूब गए हो। यानी मैंने भी ऑनलाइन चेक किया था लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर से नाम नहीं निकाल सका। तुम ज्यादा नहीं सोचो इस बारे में, देखो जरा चालाक लड़कियां पसंद आए इसे। ये कैसे हो सकता है? दो दिन में ना तुम्हें तिकनी का नाच नचा देगी वो, दिमाग में बिठा लो ये। तुम पहले नाम ही देख लो उसका। अरे सोचो तो जरा, तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें इस किस्म की लड़कियों से दूर रहना चाहिए, बहुत महंगा पड़ेगा ये फैसला। लेकिन वो फिर भी मुझे पसंद है। वकील है वो लड़की। ओ क्या बात है, हो गया काम, कोई फायदा नहीं हमारी ये सब बातें करने का। सही कहा, चलो बाहर चलते हैं यहाँ से। यूं समझ लो तुमने उसे कभी देखा ही नहीं, तुमने नाम ही नहीं सुना उसका। उसे भूल जाओ मेरे भाई। किस लिए? क्या मतलब है? अरे सुनो, तुम दोस्त हो मेरे बचपन के, हरगिज तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी में। देखो दोस्त, ये जो वकील होते हैं ना, इनसे पीछा छुड़वाना मुश्किल होता है, हर बात अपने हिसाब से घुमा फिरा कर करते हैं। बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन तुम उसे काबू नहीं कर सकते जितनी भी कोशिश कर। देखो भाई, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, उस लड़की के साथ मैं बस अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूँ। यानी तुम बाज नहीं आने वाले? अगर इतना ही तुम्हें शौक हो रहा है तो कॉल कर लो, फिर कॉल कर लो उसे, बात करो उससे। और हाँ, उसका नंबर तो होगा। हाँ, है मेरे पास, मिला रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो, क्या कहूँगा उससे? पूछना कि मौसम कैसा है, सूरज निकला है क्या? मुझे कुछ ऐसा कहना होगा उससे कि हम दोबारा मिल सके। किस किस्म के फनी इंसान हो तुम। एक और बात बताती हूँ मैं, ये लड़की स्पोर्ट्स और जिम में बहुत दिलचस्पी रखती है, इसने तस्वीर भी पोस्ट की है, और ये उसी जिम में जाती है जहाँ असगर जाता है, और मुझे लगता है कि इसकी मुलाकात भी जरूर हुई होगी। एक मिनट, यानी कि ये लोग सोच रहे हैं कि मैं इन दोनों से बात करूं, इन्हें मिलवाऊं आपस में, और वो भी कहां? वो हमारे जिम में। क्या? अच्छा तो ये तुम्हारे जिम में है, अगर तुम्हारे जिम में है तो तुम्हारी तो इससे मुलाकात हुई होगी ना? देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर होता। कुछ याद आया तुम्हें? तुमने यकीनन उसे डंबल दिया होगा, और कहा होगा ये रहा 5 किलो का। ओह ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा सोच रहे। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। तो फिर मैं ऐसा करूंगा कि तुम्हारे साथ तुम्हारे जिम चलूंगा, तुम वहाँ जिम करना और तुम उस लड़की से मेरी तारीफें करना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह की हरकतों से उसके दिल में जगह बना लोगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मान लो मेरी बात, अपने मंसूबों से ना तुम कामयाब नहीं हो पाओगे कभी भी। मेरे तरीके से, हाँ मेरे तरीके से चलना पड़ेगा। तुम्हें हमारे तरीके से चलना होगा, हमारी तरह। तुम्हारी तरह? बिल्कुल हाँ। और ये भोलापन छोड़ दो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, इनकी बात मत सुनो तुम। सही कहा,